वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है, बट उससे पहले अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो हेलो, मेरा नाम सुमन है और आप लोगों के लिए ऐसी ही रोज बहुत सारी वीडियोस लेकर आती रहती हूँ, तो सिर्फ सिर्फ सुमन स्टाइल ब्लॉग पे। तो नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। का जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा स्पेशल इसलिए है क्योंकि मैं मेकअप लुक आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। ये मेकअप लुक स्पेशली पार्टी वेयर है, ब्राइडमेड के लिए मेकअप लुक है और स्पेशली ये स्मोकी आई लुक आप घर पे कम अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ आप जो है इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो जानना चाहते हैं कि मैंने मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया तो लास्ट तक की वीडियो देखते रहे। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले अपना सीटेन प्रोटीन जो है वो फॉलो कर लिया है, यानी कि क्लिनजिंग टोनर और मॉइस्चराइजर ऑलरेडी मैंने कर रखा है। नाउ मैं डायरेक्टली जो है प्राइमर अप्लाई करूंगी। प्राइमर के लिए मैं यहाँ पे एनवाई का प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। एनवाई का जो प्राइमर है बहुत ही अच्छा प्राइमर है, हमारे पोर्स को मिनिमाइज करता है, साथ ही हमें बहुत अच्छा बेस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। नाउ मैं सबसे पहले अपने आई मेकअप से स्टार्ट करूंगी। जो प्राइमर है वो आईज पे थोड़ा सा अप्लाई करूंगी, बस थोड़ा सा ही अप्लाई करना है जिससे हमें बहुत ज्यादा स्मूथ जो है बेस मिल जाए हमारे आई मेकअप के लिए। तो यहाँ पे मैं आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। आई मेकअप के लिए मैं यहाँ पे न्यूट्रल कलर यूज करूंगी। न्यूट्रल शेड के लिए मैं यहाँ पर कॉन्टोर का शेड यूज कर रही हूँ। कॉन्टोर का जो शेड है बहुत ज्यादा डार्क है, इसलिए मैं यहाँ पर ब्रश की हेल्प से इसको अप्लाई करूंगी। अब मैं बहुत थोड़े से ही स्टार्ट करूंगी। काजल यूज करूंगी और कंडीशनर काजल जो है मैं अपने आईलिड के ऊपर लगाऊंगी, बहुत रफली लगाऊंगी और इसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी। इस काजल को मैं ब्लेंड करने के लिए यहाँ पे मैं कॉटन वॉल की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड करूंगी। मैंने यहाँ पे जो है ब्लेंड कर लिया, बहुत ही रफली काजल मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था और मैंने कॉटन बॉन की हेल्प से यहाँ पे जो है मैंने जो है अच्छे से स्मज कर लिया इस काजल को। यहाँ पे काजल जो है अच्छे से जो है ब्लेंड कर लिया है, स्मज कर लिया है। अब मैं यहाँ पे जो है ब्लैक आई शेडो यूज करूंगी और अच्छे से इसको जो है ब्लेंड करूंगी एक साथ। यहाँ पे ब्लैक आई शेडो को यहाँ पे आईज पर अपने आई लिड पर जो है अच्छे से डैप कर लूंगी। आईशेडो को यहाँ पे अच्छे से प्लेस कर दिया है। अब मैं यहाँ पे ब्राउन आईशेडो और ब्लैक आईशेडो को जो है अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी एक साथ। अब मैं यहाँ पे अपने आई के नीचे वाटर लाइन पे जो है काजल लगाऊंगी। वॉल्यूम देने के लिए लैशेस को अपने जो है लैशेस को कर्ल कर लूंगी। मैं यहाँ पे मस्कारा यूज कर रही हूँ यहाँ पे अपने लैशेस को जो है और भी ज्यादा वॉल्यूम देने के लिए। आई कंप्लीट कर लिया है। ओवरऑल मेरा आई मेकअप लुक जो है कंप्लीट हो चुका है। नाउ मैं यहाँ पे अब स्टार्ट कर रही हूँ आईब्रो से अपना होल मेकअप कंप्लीट करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा, डोंट स्किप। तो लेट्स बिगिन स्टार्टिंग विद द कंसीलर। कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ अपने अंडर आई पे, यहाँ पे मेरे डार्क सर्कल से डार्क स्पॉट्स है उनको हाइड करने के लिए। जहाँ पे भी अनइवन टोन थे मैंने उसको कवर करने के लिए कंसीलर अप्लाई कर लिया है। कंटूर भी अप्लाई कर लूंगी अच्छा सा डायमेंशनल फेस देने के लिए और मैं एक साथ इन सभी को अब जो है ब्लेंड कर लूंगी एक साथ।
फाउंडेशन अप्लाई करूंगी, बहुत ही लाइट फाउंडेशन। तो मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपना फाउंडेशन ब्लेंड करूंगी। कॉम्पैक्ट से मैं अपना सारा जो मेकअप है उसको अच्छे से सेट कर लूंगी। मैं यहाँ पे पाउडर ब्रश यूज कर रही हूँ और अपने जो ब्लश लगाया था मैंने लिक्विड ब्रश एज अ लिप, जो मैंने लिपस्टिक का जो ब्लश लगाया था उसको मैं अच्छे से सेट कर लूंगी।